आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत जागरूकता नुक्कड़ नाटक का किया आयोजन। 20 सितंबर को ONGC तेल भवन ने मुमकिन है डेवलपमेंट फाउंडेशन एवं नगर निगम के सहयोग से गांधी पार्क देहरादून में स्वच्छता जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शन का उद्देश्य शहर के निवासियों के बीच कचरा पृथक्करण और कंपोस्टिंग के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना था। इस नुक्कड़ नाटक में 9 प्रतिभाओं ने विभिन्न पात्रों की भूमिका निभाते हुए गलत कचरा प्रबंधन के प्रभाव को दर्शाया। पात्रों ने प्लास्टिक पॉलिथिन बैग और ई वेस्ट से बने हार पहनकर मिश्रित कचरे के निपटान की चुनौतियों को उजागर किया। इस प्रदर्शन ने इस बात पर जोर दिया कि पर्यावरणीय खतरों को कम करने के लिए स्रोत पर ही कचरे को जैविक पुनःचक्रीय और गैर पुनःचक्रीय श्रेणियों में विभाजित करना कितना आवश्यक है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दर्शकों ने भाग लिया, जिनमें सुबह की सैर करने वाले और पार्क के अन्य आगंतुक शामिल थे। उन्होंने कलाकारों और ONGC के प्रतिनिधियों के साथ सक्रिय रूप से संवाद किया। संस्था की डायरेक्टर प्रगति सडाना ने बताया कि इस पहल को लोगों ने खूब सराहा और कई प्रतिभागियों ने अपने घरों में कचरा पृथक्करण को अपनाने की शपथ ली। यह कार्यक्रम स्वच्छता ही सेवा का संदेश फैलाने में सफल रहा। नमस्कार, मेरा नाम प्रगति सडाना है। मैं मुमकिन है डेवलपमेंट फाउंडेशन की डायरेक्टर हूँ। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा कैंपेन चलाया जा रहा है। इसी कैंपेन के अंतर्गत मुमकिन है डेवलपमेंट फाउंडेशन ONGC के साथ मिलकर 14 दिनों तक अलग अलग इवेंट्स आयोजित कर रही है। इसी इवेंट्स की श्रृंखला में चौथे नंबर पर आज देहरादून में गांधी पार्क पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस इवेंट्स का मेन उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कराना है। धन्यवाद। देहरादून से अंजलि पासवान की रिपोर्ट।